The next point we are talking is another notification, notification number 8/2017. Kaun sa beta? Notification 8/2017. हाँ, इसके दो रिलेवेंस हैं, टीडीएस भी प्लस कैपिटल गेन भी. जरा ध्यान से सुनना, इससे दो चीज इफेक्ट हो रही होगी, काम का भी और बड़ा ही मजेदार है. राइट, आइएगा समझते हैं. सर आपको पता होगा, फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन, ध्यान से सुनना, फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, राइट, क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 के एग्जम्पशंस कहां कवर थे बेटा? कैपिटल गेन. राइट, अमाउंट मे बी डिपॉजिटेड कौन से स्कीम में? टू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. कौन सा बेटा? टू कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. ध्यान से सुनिएगा, हम जब भी 54 के अंडर में यू नो एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं, यू नो 54 बोलो एंड अदर्स, इसी के आगे अदर्स भी लिख दीजिए ताकि सिर्फ 54 ना डिनोट हो. जब भी हम यू नो सेक्शन 54 एंड अदर्स सेक्शन के अंदर में एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, अगर हम उस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो सेक्शन हमें एक ऑप्शन देता है तो डिपॉजिट द अमाउंट वेयर इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में डिपॉजिट कर दो. अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पे जनरेट होता है इंटरेस्ट. क्या जनरेट होता है बेटा? इंटरेस्ट जनरेट होता है. अब एक सवाल यहां से शुरू होता हुआ, ठीक है, यहां से एक सवाल होता हुआ, इंटरेस्ट जो जनरेट होता है इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के ऊपर, राइट, इफ पर्सन इज अलाइव, पर्सन इज डिसीज्ड, नोटिफिकेशन इन कॉन्सेप्ट पे है. पर्सन अगर गुजर जाए और इंटरेस्ट आए तो टीडीएस एस्पेक्ट का क्या होगा? यानी इस बार ये लोग गुजरने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. राइट, ओके, ध्यान से सुनना, अगर पर्सन अलाइव है टीडीएस इज डिडक्टेड एंड शोन अगेंस्ट हिज पैन ओनली. अगर वो जिंदा है तो जाहिर सी बात है उसी के नाम से टीडीएस कटेगा और उसी के पैन के अगेंस्ट में शो किया जाएगा. सवाल उठ रहा था अगर वो मर गया तो क्या करेंगे, टीडीएस किसके नाम पे दिखाएंगे, उसके नाम पे दिखाएं या उसके लीगल हेयर? क्योंकि जब भी वो गुजरेगा जितना भी अमाउंट पड़ा होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये उसके लीगल हेयर को जाएगा. तो फिर एक सवाल उठ रहा था कि अब जो बैंक टीडीएस डिडक्ट करे, जाहिर सी बात है बैंक कब टीडीएस डिडक्ट करेगा, जब ये इंटरेस्ट वो 10,000 से ऊपर दे रहा होगा, 193, 194. तो सवाल उठता है बैंक टीडीएस किसके नाम से जमा करवाए, लीगल हेयर के नाम से या जो पर्सन गुजर गया जिसके नाम से अकाउंट था उसके नाम से? आपको क्या लगता है, लीगल हेयर या जिसके नाम से जो था अकाउंट उसके नाम से? लीगल हेयर. बिल्कुल गलत, यहां पे उन्होंने और दो बात कह दी, वो माइनर के केस में सही था, यहां उन्होंने दो बात कह दी, इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ डेथ अगेंस्ट द अकाउंट होल्डर पैन, इंटरेस्ट बियॉन्ड द डेट ऑफ डेथ अगेंस्ट द पैन ऑफ लीगल हेयर, अगेंस्ट द पैन ऑफ लीगल हेयर. Provided declaration is submitted. वैसे भी AO को पता होना चाहिए ना पहले
या फिर आप लोगों ने डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हाँ वो गुजर चुके हैं, जो कुछ करना है हमारे नाम पे करो। चलो ध्यान से सुनते हैं वापस से क्या नोटिफिकेशन आया है। इसके दो इंपैक्ट बनेंगे, एक टीडीएस में बनेगा और एक कैपिटल गेन में बनेगा। कैपिटल गेन के अंदर हम हमेशा जब भी 54 की सीरीज वाले एग्जम्पशन लेने वाले होते हैं राइट, अगर उनको बहुत ज्यादा टाइम है तो वो हमें एक ऑप्शन देते हैं कि पैसा तुरंत ना इन्वेस्ट करके आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रख दो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हम जब भी पैसा रखते हैं उसके ऊपर क्या जनरेट होता है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कैसे और कब डिडक्ट होगा इसके ऊपर पॉइंट दिए गए हैं आपको। अगर वो पर्सन अलाइव है तो जाहिर सी बात है ये उसी के अगेंस्ट में टीडीएस डिडक्ट होगा और शो भी होगा अगेंस्ट दिस पैन। पर वो मर गया तो सवाल उठ रहा था किसके अगेंस्ट में शो करें। इन्होंने दो क्राइटेरिया दिए, उस इंटरेस्ट को हमें अपोर्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा ओवर द टू थिंग्स राइट। जब तक की डेथ हुई है, जिस दिन तक डेथ हुई है, फॉर एग्जाम्पल राइट, अगर उसकी 31 दिसंबर को ही डेथ हुई है तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का पूरा इंटरेस्ट जो होगा उसका टीडीएस किसके नाम से होगा? अगेंस्ट द पर्सन राइट। उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा बचे हुए तीन महीने का, वो लीगल हेयर के नाम पे भी निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड उनने क्या देना चाहिए? डिक्लेरेशन कि हाँ वो गुजर चुका है और हमारे नाम पे डाली है पूरा का पूरा। गेटिंग इट नॉट? तो टेक्निकली ये किसके लिए वर्क करेगा? ये बैंक के लिए वर्क करेगा जिसके पास ये अकाउंट था, क्योंकि टीडीएस उसने डिडक्ट करना है। गेटिंग इट नॉट? तो ये किसके लिए वर्क करेगा? बैंक के लिए। हो सकता है आईपीसीसी पे तो मुझे कम लग रहा है, बट इसका ये एक पर्टिकुलर पार्ट सीए फाइनल पे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डिडक्ट द टैक्स वेयर द पर्सन हैज डिसीज्ड एंड देयर इज इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो ये फाइनल लेवल पे मुझे लगता है कि ये पूछा जा सकता है, आईपीसीसी पे कम पूछा जाएगा, बट यू नेवर नो द इंस्टीट्यूट। बिल्कुल हर चीज के लिए रेडी रहो। अगर वो आईपीसीसी के आरटीपी में दे सकते हैं तो आईपीसीसी में पूछ भी सकते। क्या दोनों के दोनों नए थे? हां जी, दोनों के दोनों नए थे। नोटिफिकेशन नंबर 5/2017, नोटिफिकेशन नंबर 8/2017। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये यहां लिखा हुआ है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स on the interest on deposit made under the capital gain account scheme where deductor has deceased। और ये देखो, ये हमने दो क्राइटेरिया रखे हुए, अप टू द डेट, बियॉन्ड द डेट। इज दैट डन? आ जाओ जी, तीसरा नोटिफिकेशन ये भी नया है। तो टीडीएस में थर्ड चेंज ब्रॉट थ्रू सर्क्यूलर नंबर 21/2017 ब्रॉट थ्रू सर्कुलर नंबर 21/2017। हां जी, तो सर बताइए, कोई मुझे समझाएगा क्या है, क्यों है, काय के लिए है? सर बहुत ही सिंपल है, नो टीडीएस ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फीस बाय एयरलाइन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। अंडर सेक्शन 194 आई सुनो। चलिए अभी क्या है पहले समझिए राइट, पूरा पॉइंट समझना। ये है विजय राइट, विजय, लेट्स से विजय क्या करता है, वीस्मार्ट एयरलाइंस के साथ टिकट बुक करता है और टिकट बुकिंग के अंदर ये चार्जेस पे करता है पैसेंजर सर्विस चार्जेस। कौन से चार्जेस पे करता है? पैसेंजर सर्विस चार्जेस। वीस्मार्ट एयरलाइन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये पैसेंजर सर्विस चार्जेस आगे बढ़ा देती है, क्योंकि पैसेंजर सर्विस चार्जेस इज टेक्निकली कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना विजय, जब भी कोई टिकट बुक करता है किसी भी एयरलाइंस के साथ, इस एयरलाइंस की कॉस्ट में एक और कॉस्ट इंक्लूड होती है, पैसेंजर सर्विस चार्जेस। और पैसेंजर सर्विस चार्जेस, ताकि यू नो एयरपोर्ट के उनको दुनिया भर की जो सुविधाएं मिलती है राइट, इसके चार्जेस उनको एक पे करना पड़ता है एयरलाइंस वालों को, किसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दिस, द क्वेश्चन इज अबाउट दिस, जब कोई भी एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसेंजर सर्विस चार्जेस पे करती है, क्या इसे रेंट मान के इसे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए? दिस वॉज द क्वेश्चन। सो वेदर टू डिडक्ट टीडीएस ट्रीटिंग इट एज रेंट, एंड योर आंसर इज नो। इस सर्क्यूलर के तहत उनने क्लियर कर दिया, जो रेंट की हम बात कर रहे हैं, इट शुड बी फॉर द यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग और दैट पर्टिकुलर प्लेस, यस और नो? पैसेंजर सर्विस चार्जेस इज नॉट गिवन फॉर द पर्पज ऑफ यूज ऑफ लैंड, इट इज नॉट गिवन फॉर द पर्पज ऑफ यूज ऑफ लैंड, एंड हेंस देयरफॉर नॉट लायबल टू टीडीएस, बिकॉज इट इज नॉट गिवन for the use of land and building। देखिए फिर आप बोलेंगे कि सर नहीं, एयरपोर्ट भी तो लैंड बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, वहीं से तो लोग आते हैं और यू नो वहां फ्लाइट तक के पहुंचते हैं। दीज आर जस्ट मियर इंसिडेंटल टू द सेम, ये जो एयरपोर्ट का लैंड और बिल्डिंग यूज हो रहा है ये सिर्फ इंसिडेंटल है, कोई वहां पे बस नहीं जाता है क्या कि चलो एक काम करते हैं आज रात में एयरपोर्ट पे सो जाते। इट्स नॉट लाइक अ रेलवे स्टेशन, पहली बात तो आपकी टिकट देके बिना आपको अंदर भी नहीं जान दिया जाएगा, एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एट द एयरपोर्ट, यस और नो? कि चलो आज मस्त चाय पी के आते, प्लेटफॉर्म की चाय अच्छी मिल रही, ऐसा कुछ नहीं रहता वहां पे। तो सर सर्कुलर नंबर 21/2017, अच्छा मुझे बताओ ये केस एक बार मेरे को समझा दो। सबसे पहले क्या था बेटा, विजय जब भी कोई टिकट बुक करता है किसके साथ, वीस्मार्ट एयरलाइंस के साथ, क्या विजय ये चार्जेस एयरलाइंस को पे करता है? यस। और एयरलाइंस किसको पे करती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो भी एयरपोर्ट होगा अकॉर्डिंगली उसको। यहां से यहां का इशू है ही नहीं, इशू है वीस्मार्ट एयरलाइन जब इनको पे कर रही है, क्या ये रेंट मान के इस पे टीडीएस डिडक्ट करे? आंसर इज नो, कोई इस पे टीडीएस डिडक्शन होने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली द यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज जस्ट मियर इंसिडेंटल टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। और यही चीज हमारे जनहित में जारी में भी लिखी हुई है, नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, नो 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 रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 आई ऑन रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फीस by airlines to airport operator, getting it or not? Okay, चलिए साहब एक और चीज, अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं ये भी अमेंडमेंट है, चौथा अमेंडमेंट है राइट नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी अमेंडमेंट पड़े उन सब में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, TDS on GST component, TDS on GST component, चलो जी TDS on GST component, जरा ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स से मिस्टर विशाल भट्टड़, ठीक है ध्यान से सुनना, मिस्टर विशाल भट्टड़ इज पेइंग टू लेट्स से मिस्टर दर्शन खरे, ठीक है एक ये पेमेंट है, और लेट्स से दे आर पेइंग टू मिस्टर रोहन निंबाड़कर, राइट अब दो चीजें, मिस्टर विशाल भट्टड़ इज पेइंग टू मिस्टर दर्शन खरे एंड इज पेइंग टू मिस्टर रोहन निंबाड़कर, दिस अमाउंट हैज
separate GST shown. No separate GST shown. ठीक है, no separate GST shown. एक जगह separate GST बताया गया है पूरा का पूरा, और दूसरी जगह separate GST नहीं रखा गया है. अब एक सवाल उठता है, TDS जो काटा जाएगा वो नेट अमाउंट पे काटा जाए या फिर नेट अमाउंट प्लस TDS पे काटा जाए. TDS जो डिडक्ट किया जाए वो नेट अमाउंट पे काटा जाए जीएसटी हटा के, या फिर नेट अमाउंट प्लस जीएसटी पे TDS कटे. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर CA फाइनल, फॉर IPCC, फॉर CSCMA, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जीएसटी में ये भी बात पूछ सकते हैं और इनकम टैक्स में भी पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम यहां है इसकी. ये क्वेश्चन दोनों जगह पूछा जा सकता है. तो बोलो, नेट अमाउंट ओनली? सर ये केस तभी हो सकता है When GST is shown separately. मतलब क्या, नेट अमाउंट पे TDS तभी होगा ओनली when GST is shown separately. ओनली when GST is shown separately. फॉर example, अगर लेट से 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और उस पर 12 रुपए का GST है, राइट right? और टोटल बिल बन रहा है 112, 12 रुपए अगर अलग से दिखाया है तो TDS कंपोनेंट सिर्फ 10 पे रहेगा उस पर्टिकुलर आइटम के लिए. इट मे बी सेल, इट मे बी व्हाटसोएवर, राइट, पेमेंट विच आर कवर्ड अंडर द TDS एक्ट. अच्छा, ये कब हो सकता है? आपको नेट अमाउंट प्लस जीएसटी पे TDS काटना है इफ जीएसटी नॉट shown separately. बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्लियर करने के लिए आए हैं हमारे साथ सर्क्यूलर नंबर 23/2017. Yes or no? चलिए ध्यान से देखते हैं साहब, वापस एक बार, फिर एक बार वापस से. सर ध्यान से सुनिए, मैंने आपको इसी के लिए दो चीजें बताई. मान लीजिए मिस्टर विशाल भट्टड़ इज पेइंग टू मिस्टर दर्शन करे और मिस्टर रोहन निंबालकर एक पेमेंट पे. अब ऐसा कमी होगा व्हेन इट इज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल हमारे को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी बिल निकालता होगा और जीएसटी सेपरेटली शोन करता होगा, तो हमें जो TDS काटना है वो सिर्फ सेपरेट नेट कंपोनेंट पे काटना है, जीएसटी कंपोनेंट पे TDS काटने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ये सेपरेटली शोन नहीं है तो हमें ओवरऑल इनवॉइस की वैल्यू पे क्या काटना है? TDS काटना है. हमें ओवरऑल इनवॉइस की वैल्यू पे क्या काटना है? TDS काटना है. आइए इस पॉइंट को एक बार पढ़ भी लें. वाइट सर्कुलर नंबर 1/2014, पहले भी ये सर्विस टैक्स में हुआ करता था, पहले तो उसकी हिस्ट्री दी है. ओके, इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज द सेम ट्रीटमेंट विद द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर द जीएसटी रिजिम, सीबीडीटी वाइड सर्कुलर क्लैरिफाइड दैट वेयर इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पेयर एंड पेई द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी इज कंप्राइज्ड इन द अमाउंट पेबल टू रेसिडेंट इज इंडिकेटेड सेपरेटली, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द अमाउंट पेड और पेबल without including such GST on service component, without including the GST. Okay, एक बात याद रखें, GST shall include, इस purpose के लिए GST shall include UTGST और कौन सा STGST, हाँ और भी कुछ था, सीजीएसटी, अरे ये सुनो, सीजीजीएसटी,
तो वर्ड देखिएगा, इन्होंने सारी चीजें इंक्लूड करके रख दी है, चेक। जीएसटी शेल इंक्लूड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, तो इसके अंदर में आईजीएसटी भी कवर्ड है, यूजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईटीजीएसटी सब कवर, आईजीएसटी पूरा का पूरा कवर्ड है, हर तरह का जीएसटी इसमें इंक्लूड कर दिया उन्होंने स्ट्रेट अवे। इज दैट झाला, एस और नो? तो फोर्थ पॉइंट, मुझे पता नहीं क्यों पर लगता है ये जरूर आएगा, ये वाला कंपोनेंट तो डेफिनेटली जरूर आएगा, ये सुनो, राइट, लेट्स चेक राइट, आ जाओ जी सर, इसके बाद क्या है, गाइडेंस ऑन इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अंडर 192, जरा देखिएगा, ये हम नहीं ले रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक नए प्रोविजंस लेकर के आए हैं जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और कहा है जो भी सैलरी का टीडीएस डिडक्ट करेगा उसकी कुछ ड्यूटीज है, जो भी सैलरी का टीडीएस डिडक्ट करेगा उसकी कुछ ड्यूटीज है, और ये ड्यूटीज उन्होंने एक नया पॉइंट लेकर के आया, देखिए एक नया सर्कुलर लेकर के आया है, द पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी हैज सर्टन ड्यूटीज, और ये ड्यूटीज इस वेबसाइट के थ्रू दी हुई है, एज सच सिर्फ ड्यूटीज वाला पॉइंट है, तो ये सिर्फ आप देख लेना एक बार, राइट, उन्होंने एज सच कुछ नहीं बोला, वही सारे पॉइंट है कि वो सारी इनकम देखेगा, सारे डिडक्शन कंसिडर करेगा, उसकी ओवरऑल सैलरी देखेगा, एक एक चीज का सेपरेट शोन करेगा, सारे पूरे के पूरे वही पॉइंट्स है जो मुझे नहीं लगता पूछ सकते हैं, बट स्टिल आई विल ऑलवेज एडवाइस कि आप इसे एक बार देख के जाइएगा जब इंस्टीट्यूट ने बोला है तो, ये सुनो। चलो रिटर्न बैक करते हैं, कितने अमेंडमेंट थे टीडीएस में, 4, मुझे वापस बताइए रेट वाइज कोई अमेंडमेंट है क्या, नहीं रेट वाइज कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर प्रोसीजर वाइज डेथ वाले दो केस, पहला माइनर के केस में पेरेंट्स डेथ हो जाए तो, या जिसका सीजीएएस है उसका डेथ हो जाए तो, तीसरा पॉइंट हमें बोल रहा था कि क्या एयरपोर्ट चार्जेस जो रेमिट किए जाते हैं क्या उसके ऊपर टीडीएस आएगा क्या, आंसर इज नो, और चौथी चीज हमारे बहुत ज्यादा काम की है और वो है जीएसटी कंपोनेंट, इज दैट डन? चलो जी मालको, कितने चैप्टर हो गए, अरे 12 हुए ना कि 13 हो गए, 13 नहीं हुए, ये कौन सा था, हाँ जी चैप्टर नंबर 13 टीडीएस, आ जाओ आगे बढ़ते हैं जी, चैप्टर नंबर 14 रिटर्न ऑफ इनकम, याद करो ये भी एक चैप्टर है हम लोग को, सर इसमें कोई अमेंडमेंट है क्या, हाँ इसमें तो ओल्ड वाला भी है और इसमें तो न्यू वाला भी है, इसमें ओल्ड वाला भी है और इसमें न्यू वाला भी है, चलो सर अभी क्या अमेंडमेंट है ये भी बता दो सर, बहुत अच्छा हो जाएगा जिंदगी में, कुछ तो पढ़ लेंगे हम लोग भी, सबसे पहले ओल्ड वाला लेता हूं तो यहां से लिंक लगेगी न्यू वाले की, एक नया सेक्शन आया था सेक्शन 139AA, आई थिंक पिछले बार ये पूछ भी लिया, आ से आधार, याद आ रहा है तुमको, आ से आधार सेक्शन 139AA, ये पिछले बार ही सेक्शन आ गया था, सेक्शन क्या कह रहा था मैं आपको वो भी बता देता हूं, 1 July 2017 पर्सन मस्ट कोट, बोलो क्या कोट करना है उसको, आधार एट द टाइम ऑफ पैन एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ पैन एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, बोलो भाई ROI, इफ ही
do not have pan, if he do not have pan, he will quote, bolo, enrollment number. If Aadhaar is not provided, PAN would be, बोल मेरे भाई, invalid. याद है ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ? लिख लो पहले ये. हाँ जी. हाँ? नहीं नहीं नहीं, वो पेन नहीं चल रहा था इसके लिए मैंने लिखा. Yes or no? अब इसमें क्या चेंज आया है या इसमें क्या अमेंडमेंट आया है जरा एक बार देख लेते हैं. बहुत भयंकर इजी पॉइंट, मैं आपको अगर सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा तो क्या चेंज आया है वो है, अब मैं लिख रहा. पॉइंट नंबर बी, ये आया है नया और इसे लाया गया है नोटिफिकेशन नंबर 37/2017. नया है वह पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू कोट आधार नंबर. उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं सर, मतलब इन लोगों को क्या नहीं करना है, बोलो भाई, आधार नंबर कोट करने की जरूरत नहीं है. पहला, पर्सन रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड मेघालय पॉइंट नंबर टू, नॉन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. पॉइंट नंबर थ्री, पर्सन हुइज एज ऑफ 80 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर. पॉइंट नंबर फोर, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत सेंसिबल डिसीजन लेकर के बहुत कुछ अच्छा लेके आए हैं. किस किस को आधार कार्ड नंबर कोट करने की जरूरत नहीं है? देखो पिछली बार आधार पूछा था तो इस बार ये पूछ सकते किस किस को आधार जरूरी नहीं है, किस किस को जरूरी नहीं है. पहला, जो जम्मू कश्मीर और मेघालय में रह रहे हैं, उन्होंने रिसाइडिंग वर्ड यूज किया है. नॉन रेसिडेंट, जो इनकम टैक्स में नॉन रेसिडेंट माने जाते हैं या जो सिटीजन ही नहीं है. यस और नो? एंड पर्सन जिसकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा की होगी, इन्हें आधार कोट करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है जी मालिक? ओके. तो पहला जो अमेंडमेंट पिछले साल आया था वो था आधार, और आधार से लिंक्ड इस बार का एक और अमेंडमेंट है, राइट? अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर से चार छह आते ही आते हैं. रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये तीनों को मिला के आप कभी भी 10 मार्क पकड़ के चलो,
कोई भी कैसा भी घुमा के इन पे देंगे, तो आप ये समझ के चलो कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वो लोग पूछ लेंगे हु आर रिक्वायर्ड टू होल्ड आधार एंड हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग एन आधार, तो आपको दोनों कोट कर देना पड़े, गेटिंग इट और नॉट। ओके सर, सर और कुछ बदला है क्या? हाँ जी, इस चैप्टर में और भी कुछ बदला है, आ जाओ। अमेंडमेंट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू टीआरपी सेक्शन 139B, इससे रिलेटेड आया है नोटिफिकेशन नंबर 4/2018। सबसे पहले तो स्कीम क्या थी ये पता कर लो, क्या थी स्कीम, कोई बताएगा मुझे ये टीआरपी, टीआरपी क्या गेम था टीआरपी का एग्जैक्टली? क्या गेम था टीआरपी का, कोई तो समझाओ, कोई तो बता दो। बोलो बोलो बोलो, कोई तो बताओ, कोई तो समझाओ, कुछ तो बताओ। नहीं पता, चलो आ जाओ मैं आपको बताता हूं टीआरपी स्कीम क्या हुआ करती थी, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। सर कुछ लोग गवर्नमेंट के पास रोते रोते गए थे कि बॉस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ये बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और हमें इनके पास नहीं जाना, याद आ रहा है क्या वैसा कुछ? राइट, बकवास स्कीम 139B, बकवास स्कीम, बिल्कुल फेल्ड वाली स्कीम थी। मैंने आपको बताया भी था कि जिनमें बोला जाता था कि यू नो हमें सीए के पास नहीं जाना, ये लोग बहुत सारी फीस चार्ज करते, तो हमें ऐसा कोई बंदा अपॉइंट करके दो, याद है जो ऑफिस के अंदर ही बैठता था, हमें ऐसा कोई बंदा अपॉइंट करके दो जो क्या करे, जो क्या करे हमारे लिए रिटर्न फाइल कर दे। राइट, अच्छा अब तक क्या होता था कि टीआरपी का पूरा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह नहीं बताया था कि उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यह जरूर बताया था कि वो क्या नहीं होना चाहिए, सीए नहीं होना चाहिए, बैंक एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, याद आ रहेगा? सीए नहीं होना चाहिए, बैंक एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एडवोकेट नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफिक क्लास जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा वो ये नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताए थे कि इसके पास मिनिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए थी। इस नोटिफिकेशन के तहत उनने एक सीधी पॉइंट ला लिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन, बाकी पूरा सेक्शन एज इट इज है, सिर्फ एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ला लिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीआरपी, कि टीआरपी के पास मिनिमम लाइफ में कितनी क्वालिफिकेशन तो भी होना ही चाहिए उसको रिटर्न भरने के लिए। Yes or no? आ जाओ जी, चलो बोलो। An individual should hold पहला bachelor degree from recognize Indian university or institution। वाह, पहली बार सरकार ने इतनी अच्छी बात करी है। पहली बात, उसके पास एक एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री तो भी होनी चाहिए, और अब देखना तुमको इतनी हंसी आएगी, इतनी हंसी आएगी। मैं जब जब भी रेगुलर बैच में ये पढ़ाता था, मैं इसको यही बोलता था ये दुनिया का हद बकवास स्कीम है, क्योंकि रिटर्न जिन जिन लोगों ने ओल्ड इनकम टैक्स पढ़ा होगा उन लोगों को तुम बताओगे क्या कि वो रिटर्न कैसे भरें? दूसरा वाला पढ़ के तुमको अपने आप पे ही प्राउड हो जाएगा। और हैज पास्ड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ The exam conducted by ICAI, मतलब वाह, बेस्ट बेस्ट। ऊपर सीए टीआरपी नहीं बन सकता, लेकिन उसके बच्चे जिन्होंने इंटर पास किए, फाइनल वाले बच्चे, हुए पास्ड बोला है, हा? तो तुम नहीं, तुम भी होने के
हु इज इन इंटर नहीं बोला, हु हैज पास्ड इंटर, मतलब ये कौन होने चाहिए, सीए फाइनल स्टूडेंट, आर्टिकल चिप वाले भी नहीं, सीए फाइनल, जो इंटर में है वो नहीं, ओ शम्मी कपूर, जो इंटर में है वो नहीं, जो वो पास हो गए, फिर कोई आड़े तेड़े बच्चे के मन में डाउट आ सकता, सर मैं एक ग्रुप क्लियर है, जिंदगी में और कुछ नहीं मिल रहा, टीआरपी बन जाऊ क्या, इंस्टीट्यूट रिजल्ट तो दे नहीं रही तो टीआरपी बन जाऊ क्या, उन्होंने बोला पास, पास मतलब बोथ ग्रुप पास होना चाहिए, एक ग्रुप पास पास नहीं माना जाता, आधा लटका हुआ बोलते हैं सुनो वो पास नहीं होता, राइट सो अच्छा, और तीसरा इन ही हैज पास्ड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ आईसीएसआई, सीएस वालों को भी इज्जत दी, और आईसीएमएआई, वाह सीडब्ल्यू वालों को भी इज्जत दे दी, यस और नो, तो सर वापस से एक बार देखते हैं क्या है नया है, वह उन्होंने टीआरपी से रिलेटेड क्या पॉइंट बोला, एक ही पॉइंट बोला टीआरपी से रिलेटेड, पहला पॉइंट बोल दिया उन्होंने इंडिविजुअल शुड होल्ड अ बैचलर डिग्री, इसके पास या तो एटलीस्ट बीकॉम की कुछ तो भी डिग्री होना चाहिए, अच्छा बैचलर, बैचलर ऑफ साइंस वाले नहीं, हाँ हालांकि उन्होंने लिखा बैचलर जरूर है, एक बात समझ के रखना, उन्होंने लिखा क्या है बेटा बैचलर, लेकिन कॉमन सेंस लगाना, बैचलर ऑफ साइंस वाले को जिसको इनकम टैक्स का टी नहीं आता, हम साला 1.5 साल से पढ़ रहे हैं हमको नहीं आता, उनको आएगा क्या, आप समझ रहे हो बात को, तो उन्होंने बहुत सीधी सी बात बोली बैचलर डिग्री, मुझे लगता है फिर भी यहां सुधार होना चाहिए, नहीं तो वहां पे आएंगे साइंस वाले अमल अपन भराई चाहिए प्लीज, तो यू नो उनके काम का गेम नहीं है ये, जाहिर सी बात है या तो आर्ट्स वाले कर सकेंगे या तो कॉमर्स वाले, बट स्टिल वर्ड ऐसा लिखा गया है कि इसमें यू नो सारे बैचलर को खुश करने का कोशिश की गई है, दूसरा जो बच्चा पास है, पास क्या बोल रहा हूं मैं, पास इंटर लेवल ऑफ सीए सीएस सीएमए, ये बहुत बेस्ट, तुम सीए को टीआरपी नहीं बना रहे पर उनके बच्चों को टीआरपी बनाना चाहते हो, मतलब तुम 100% हमें बताना चाहते हो कि तुम पास नहीं होते तो बेटा उम्मीद मत को तुम फिर भी तो कुछ तो बन ही सकते हो, तो बोले तुम जिंदगी में क्या बनोगे, टीआरपी, लोगों का मनोरंजन करेंगे टीआरपी, क्या है भाई, पर मुझे नहीं लगता कोई भी सीए का बच्चा ऐसा करने के बिल्कुल भी इच्छु में होगा, स्पेसिफिकली जब वो फाइनल में आ चुका होगा, वो बोलेगा मैं 10 अटेम्प्ट और देगा पर मैं टीआरपी नहीं बनेगा, बट यू नेवर नो, हर एक के फैक्ट्स और स्टोरीज अलग अलग होती है, ओके मालिक दिस इज डन, बाकी एवरीथिंग इन्होंने जो रखा है दिस रिमेन सेम, यस और नो, ओके, तो रिटर्न ऑफ इनकम में टेक्निकली 1, 2 और 3 तीन चेंजेस है, इन चेंजेस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा मालिक, अच्छा और कोई चैप्टर है क्या, कितने चैप्टर हो गए वैसे, 14, एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, ये बनता है एग्जम्पशन, ला 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 ला, कौन सा टॉपिक है मालिक, एग्जम्पशन, हाँ एग्जम्पशन में जो भी टिके वो सब ओल्ड है, इसमें नया कुछ नहीं है, एग्जम्पशन में जो भी टिक है ये सब है ओल्ड, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, द फर्स्ट चेंज दे हैव ब्रॉट इज सेक्शन 10, 12B, सेक्शन 10, 12B, पेमेंट फ्रॉम NPS अंडर सेक्शन 80CCD ऑन पार्शियल विड्रॉल प्रोवाइडेड इट नॉट एक्सीड
25% of contribution. पहले एक बार पूरे अमेंडमेंट लिख लें, फिर हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सी सेक्शन 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स और यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड. ऑन विच एसटीटी इज पेड. और याद होगा तो वो एक आंध्र प्रदेश लैंड पूलिंग स्कीम वाला था. कौन सा सेक्शन था, मेरे को तो सेक्शन ही याद नहीं आ रहा मालिक. 1037A सेक्शन 1037A सेक्शन 1037A इनकम अंडर आंध्र प्रदेश लैंड पूलिंग स्कीम डन मालिक. आओ एक एक को देखते हैं. पहला, अगर आपने कोई नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो एटी सीसीडी के अंदर में कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें कोई कंट्रीब्यूट किया था, उसमें से कुछ विड्रॉल किया, अगर विड्रॉल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के 25% से नीचे का है, अगर विड्रॉल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के 25% के नीचे का है, तो आप इसे पूरा का पूरा एग्जम्प्ट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए आपने ओवरऑल कंट्रीब्यूट किया था नेशनल पेंशन स्कीम जो एटीसीसीडी के अंदर मेंटेन होती है, उसमें आपने विड्रॉ किया 22 लाख रुपए, पूरा 22 लाख एग्जम्प्ट. आपने विड्रॉ किया 28 लाख रुपए, ये क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल. 1015 इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, 2015 में भारत सरकार ने जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी, अगर स्कीम के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इंटरेस्ट क्या है बेटा, टोटली एग्जम्प्ट. 1038 में दो वर्ड ऐड हुए हैं, यूनिट्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड. पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ही हुआ करता था, अब उन्होंने वर्ड दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स और यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, राइट, जिन पे एसटीटी पेड है विल बी अलाउड एज डिडक्शन. 1037A हम कैपिटल गेन में पढ़ चुके हैं और आपको अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 में भी दिख जाएगा. आंध्र प्रदेश लैंड पूलिंग स्कीम के अंदर में अगर कोई भी अमाउंट मिली है तो ये अमाउंट टोटली मालिक क्या है, एग्जम्प्ट. क्लियर है जी, दैट्स इट. चैप्टर नंबर 16 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, ओवरऑल अमेंडमेंट उसमें दिख जाएंगे. ये सुनो, यहां हमारी सारी अमेंडमेंट सीरीज खत्म होती है. 2 लेक्चर थे, पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, दूसरा लेक्चर भी आई होप आप देख चुके होंगे, एंड आई होप ये सारे अमेंडमेंट लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्प करें. इसी के साथ साथ आरटीपी में जितने अमेंडमेंट दिए थे ये सारे के सारे कवर हो चुके हैं. एक पॉइंट बस आरटीपी का बचा है, मैं वो आपको बता देता हूं कहां है, मैं वो भी बता देता हूं. ये देखो, ये यहां है बस, आईटीआर फॉर्म नंबर्स के अंदर में. जरा ध्यान से सुनिए, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आईटीआर है एंड 7, इसमें एक जगह चेंज हुआ है. आईटीआर 1 अब किसके लिए फाइल किया जाएगा, आईटीआर 1 फाइल किया जाएगा आरओआर के लिए, जिसकी सैलरी इनकम प्लस अदर सोर्सेज इनकम प्लस एचपी इनकम इज अप टू रुपीज
50 लाख। बस ये एक फर्दर चेंज और किया गया है। आई डोंट एक्सपेक्ट, ये लोग पूछ सकते हैं कि आईटीआर 1 किस किस के लिए है, अगर पूछा भी तो बहुत इजी है, याद रखो इनकम फ्रॉम सैलरी एचपी एंड अदर सोर्सेस, जहां इनकम कितने लाख रुपए तक के जा रही है, 50 लाख तक के जा रही है, ये एक चेंज लाया है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा और मुझे लगता है देखो ये एक और पॉइंट है जो शायद वो लोग पूछ ले जो छुपा के दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। द फॉलोइंग पर्सन हैज ऑप्शन टू फाइल द रिटर्न इन पेपर फॉर्मेट। जनरली हर रिटर्न जो फाइल किए जाते हैं ये हर रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए जाते हैं, पर दो लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि ये अपने रिटर्न पेपर फॉर्म में दे सकते हैं। प्लीज एक पॉइंट ये लिख लो, मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न टॉपिक में अगर कोई जगह खाली होगी छोटी सी भी, राइट, तो बस दो पॉइंट लिख लीजिए। फॉलोइंग पर्सन कैन फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन पेपर फॉर्म, पहला पर्सन हैविंग एन एज एक्सीडिंग 80 ईयर्स और मोर, हैविंग एन एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर, वो व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, दूसरा एन इंडिविजुअल एन एचयूएफ हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, हुज इनकम नॉट एक्सीड 5 लाख एंड देयर इज नो रिफंड, एंड देयर इज नो रिफंड। यस और नो, एक छोटा सा पॉइंट लिख के रखे, क्या पता इंस्टीट्यूट ने इतना छुपा के दिया है तो शायद उनका मूड बन जाए कि भाई पूछ ही लो, अभी भी कोई है क्या जिसके पेपर रिटर्न्स दिए जा सकते हैं। दो लोग हैं जिनके पेपर रिटर्न्स दिए जा सकते हैं, पहला जिसकी 80 से उम्र एज हो चुकी है, दूसरा जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही और जो रिफंड भी क्लेम नहीं कर रहा, वो आज भी पेपर में क्या कर सकता है, रिटर्न भर सकता है। बाकी सभी लोगों को जो रिटर्न भरने हैं ये ऑनलाइन सबमिट करने हैं। So Malik, this was overall amendments which were applicable to, you know, November attempt 2018. I hope आप सभी लोग इस एग्जाम को दें और इसी एग्जाम में पास करें। नेक्स्ट अगर आप कोई अमेंडमेंट में लेक्चर मेरा देखे भी, चाहे आईपीसीसी और फाइनल, तो वो से फॉरवर्ड करने के एंगल से देखे, राइट, एंड यस आई एक्सपेक्ट यू टू सी इन फाइनल वेरी सून। फाइनल में भी हम जरूर मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं इसके पहले वाले लेक्चर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड डिटेल्स दे चुका हूं, मैं यहां दोबारा नहीं देना चाहता, राइट, वहां से आप मेरे को प्लीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड बी रेडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंकिंग यू सो मच। विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी। बाय बाय।